महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों एक बार दोबारा चर्चाओं में बनी हुई हैं। कारण कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। केंद्र की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी प्यारी बेटी का स्कूल में मजाक उड़ाए जाने और उसे अपमानित किए जाने के बाद शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक बेहद कड़ा पोस्ट लिख डाला। ईरानी लिखती हैं कि मैंने कल अपनी बच्ची की एक सेल्फी डिलीट कर डाली क्योंकि ए झा नाम के एक मूर्ख बच्चे ने क्लास में उनका लुक को लेकर मजाक उड़ाया। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि किसी भी माँ को ये बुरा लगेगा कि उसके बच्चे का कोई मजाक उड़ाए, लेकिन जरा सोचिए कि क्या आप एक मंत्री हैं इसलिए उस बच्चे का सरनेम यानी कि ए झा जिस तरह से उन्होंने नाम लिया है सरनेम लेकर उसके ऊपर एक पोस्ट लिख देंगे। जैसा कि स्मृति ईरानी ने अपने पोस्ट में मेंशन किया है ए झा, इससे साफ जाहिर होता है कि स्मृति अपने रुतबे और अपनी साख का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। देश में एक तरफ सैकड़ों बच्चे चमकी बुखार के कारण इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, लेकिन इतना होने पर हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री की नींद नहीं टूटती। लेकिन जब अपनी बेटी से किसी हम उम्र बच्चे का मजाक हो जाता है या वो हम उम्र बच्चा उनसे मजाक कर देता है तो स्मृति ईरानी को इतना बुरा लग जाता है कि वो सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख देती हैं। एक तरफ तकरीबन 200 बच्चे हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, एक तरफ स्मृति ईरानी की बेटी हैं जिनका एक क्लासमेट उनके साथ मजाक करता है। स्मृति को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या हो रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर में। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी का कोई मजाक नहीं उड़ाए, भले ही वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। वहीं सोचने वाली बात यह है कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं होती तो क्या केंद्रीय मंत्री बिहार में जो बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं उस पर यूं मौन रहती? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस बिंदास बोलने वाली तुलसी के मुंह पर हमेशा के लिए टेप लगा दी है? सवाल बहुत से हैं, जवाब नजर नहीं आता। जिन घरों के दीपक बुझ रहे हैं सरकार को आखिर क्यों उनका अंधेरा नजर नहीं आता? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।